पीरियड के चौथे या पांचवें दिन क्या संबंध बनाने से आपकी प्रेगनेंसी रुकेगी या फिर क्या होगा आपके शरीर में, इसके बारे में आशीष कंप्लीट डिटेल नॉलेज इस वीडियो में देने वाली हूँ। मेरे चैनल पे बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जिनकी प्रेगनेंसी कंसीव होने में दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी सब्सक्राइबर हैं जो कि प्रेगनेंसी को अवॉइड करना चाहते हैं। तो सबके मन में एक सवाल होता है कि पीरियड के चौथे या पांचवें दिन संबंध बनाने से क्या हो सकता है, आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलने वाली है। वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। अगर पीरियड्स की बात की जाए तो सारे महिलाओं के पीरियड साइकिल बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, लेकिन नॉर्मल केसेस में 3 से 5 दिन की ब्लीडिंग हर एक महिलाओं को होती है। लेकिन अगर पीरियड साइकिल आपकी डिस्टर्ब है तो वो पीरियड का जो ड्यूरेशन है वो बहुत कम हो जाएगा, मे बी 1 दिन 1.5 दिन का पीरियड साइकिल आपका चलेगा। लेकिन अगर नॉर्मल साइकिल है तो 3 से 5 दिन की ब्लीडिंग बिल्कुल नॉर्मल कहलाती है। ब्लीडिंग में भी अगर आपको ब्लड का कलर बिल्कुल रेड या फिर मैरून आ रहा है तो ये एब्सोल्युटली करेक्ट है, और फ्लो भी अगर आपका अच्छा है यानी कि 80 ml तक की ब्लीडिंग अगर आपको 3 से 4 दिन 5 दिन होती है तो बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन अगर आपका फ्लो बिल्कुल कम है, 40 ml तक आपका फ्लो आ रहा है और पीरियड का जो ब्लड है वो भी बिल्कुल पिंक कलर का या फिर मरून या ब्लैकिश कलर का, मतलब मरून में भी डार्क मरून अगर है, बिल्कुल ब्लैकिश या ब्राउनिश कलर का अगर ब्लीडिंग है तो वो आपका बिल्कुल भी सही पीरियड नहीं कहलाता है। लेकिन नॉर्मल साइकिल में 3 से 5 दिन की ब्लीडिंग आना बिल्कुल नॉर्मल है। आयुर्वेद के हिसाब से ऐसा माना जाता है कि कई बार जब महिलाएं जब मेंस्ट्रुएशन फ्लो में होती हैं तो उस टाइम पे कुछ ना कुछ गलतियां वो जरूर करती हैं जिसको बहुत ही ज़्यादा वर्जित माना जाता है आयुर्वेद के हिसाब से। तो गलतियाँ क्या होती हैं कि आपको कभी भी ठंडी तासीर वाली चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, चाहे वो दही हो या केले हो, आइसक्रीम हो जो, या फिर अब बहुत सारे जंक फूड जो आप ठंडी ठंडी चीज़ें खा रहे हैं उसका सेवन आपको बिल्कुल बंद कर देना है। कोई भी बेवरेजेस जो कि आप पीते हैं कोल्ड ड्रिंक्स के रूप में वो सब भी आपको नहीं पीना चाहिए, इवन बाल भी नहीं धोना चाहिए, और कोशिश करें कि इस ड्यूरेशन में आपको रिलेशन भी प्लान नहीं करना चाहिए। लेकिन पूरी तरह से इसके ऊपर आप रिलाय नहीं कर सकते हैं इस बात को लेके, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कपल होते हैं जिनको मिलना बहुत कम हो पाता है, और अगर पीरियड के टाइम पे वंस इन अ वाइल अगर उन्होंने रिलेशन प्लान कर लिया तो ऐसा कोई भी हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है कि इससे आपके शरीर को नुकसान होगा। लेकिन नॉर्मल केसेस में आपको इस टाइम पर रिलेशन प्लान करने से भी बचना चाहिए। लेकिन कई बार होता क्या है कि बहुत सारे कपल्स ऐसा भी महसूस करते हैं कि जब उनका पीरियड स्टार्ट होता है महिलाओं का तो उनकी लिबिडो भी बढ़ी हुई होती है। इसका सिर्फ और सिर्फ यही रीज़न होता है कि उनके बॉडी के जो हार्मोन है वो तेज़ी से फ्लक्चुएट कर रहे हैं। जब आपके एस्ट्रोजन का डोमिनेंस होता है उस टाइम पर आपकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा आपकी लिबिडो हाई होती है, पति के साथ जाने का संपर्क में जाने की इच्छाएँ भी करती हैं। तो अब रहा सवाल कि क्या पीरियड के चौथे या पाँचवें दिन हम रिलेशनशिप प्लान कर लें, तो जी हाँ, अगर आपका कंसेंट है, बिल्कुल कंसेंचुअल है, आप दोनों चाहते हैं तो आप बिल्कुल रिलेशनशिप प्लान कर सकती हैं। लेकिन रही बात कि इससे प्रेगनेंसी का क्या कनेक्शन है, तो देखिए प्रेगनेंसी का कनेक्शन आपके ओवुलेशन से होता है, लेकिन जहां तक रही बात कि ब्लीडिंग से अगर आप अनकंफर्टेबल हैं तो आप उस टाइम पे थोड़ा सा अवॉइड करें, और महिलाओं के लिए भी थोड़ा सा सेफ कहलाता है। बाकी कुछ महिलाओं का ये भी मानना होता है कि जब वो पीरियड के बिल्कुल पीरियड की ड्यूरेशन में अगर रिलेशनशिप प्लान करती हैं तो उनके क्रैम्पिंग में भी उनको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलती है। तो ये टोटली आपके कंसेंट के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर चौथे या पांचवें दिन आपने रिलेशनशिप प्लान किया तो इन ड्यूरेशन में आपकी जो ब्लीडिंग है बिल्कुल हल्की हो जाती है, कम हो जाती है, तो इस टाइम पे रिलेशनशिप प्लान करने से कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी लिबिडो है तो आप बिल्कुल इसके ऊपर जा सकती हैं, ट्राई कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप प्रेगनेंसी के बारे में सोच रही हैं तो प्रेगनेंट होने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ होती है वो होती है महिलाओं के शरीर में बन रहा अंडा, वो कब आएगा, उसकी टाइमिंग क्या है, क्योंकि उसी टाइमिंग पे अगर मेल के सेल भी अवेलेबल होंगे तभी जाके आपका फर्टिलाइजेशन का काम शुरू होगा। लेकिन अगर अंडा ही प्रेजेंट नहीं है तो अगर आपने सेल्स को प्रोवाइड भी कर दिया तो अंडा अगर प्रेजेंट नहीं है तो आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुक सकती है। लेकिन कुछ महिलाओं के लिए ये चीज़ें बिल्कुल सक्सेसफुल हो जाती हैं, वो इस वजह से होती हैं क्योंकि उनके पीरियड साइकिल शॉर्ट होते हैं। अगर जिनको 25 दिन पे पीरियड रिपीट हो जाता है, 24 दिन पे पीरियड रिपीट हो जाता है, तो वो अगर चौथे पांचवें दिन भी संबंध बनाती हैं तो उनके शरीर में अंडा अगर मौजूद होगा और मेल के सेल को उन्होंने अगर प्रोवाइड कर दिया है और दोनों के फर्टिलाइजेशन से उनकी प्रेगनेंसी रुक सकती है। लेकिन नॉर्मल बायोलॉजिकल केसेस में अगर 28 दिन के पीरियड साइकिल है जो कि बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉर्मल होती है, लेकिन आप 29 दिन 30 दिन को भी नॉर्मल कंसीडर कर सकती हैं, उस ड्यूरेशन में आपको 14वें या 15वें दिन पे आपका ओवुलेशन होगा। और ये ओवुलेशन आपका, मतलब अगर पीरियड जिस दिन स्टार्ट हुआ उस दिन से हम पहला दिन कंसीडर करते हैं और 3 से 5 दिन आप ब्लीडिंग में होती हैं।
अगर आपने चौथे दिन पांचवें दिन संबंध बनाया भी है तो उस टाइम पे आपके शरीर में अंडा है ही नहीं, क्योंकि आपकी पीरियड साइकिल जो नॉर्मल पीरियड साइकिल है उसके हिसाब से 13, 14 या 15वें दिन आपका अंडा रिलीज होगा और उसी टाइम पर अंडा रिलीज होगा। तो इस टाइम पे जो मेल के सेल हैं वो अगर कितने भी अच्छे क्वालिटी के क्यों ना हो वो 4 दिन से जीवित नहीं रह सकते हैं ज़्यादा। तो अगर आपको रिलेशनशिप प्लान करनी है तो आप उस टाइम पे बेसिकली आप ज़रूर उसको प्लान करें, कोई दिक्कत नहीं है अगर आप प्रेगनेंसी नहीं चाहती हैं तो। लेकिन अगर प्रेगनेंसी चाहती हैं तो 1 हफ्ते के बाद से ट्राई करना स्टार्ट कर दें, उससे आपकी प्रेगनेंसी रुकने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। तो पूरे नटसेल में आपने ये बातें जाननी कि अगर कुछ महिलाओं के जिनकी लिबिडो हाई होती है उनको रिलेशनशिप प्लान करना चाहिए, अगर वो प्लान करना चाहती हैं तो बेसिकली आप कभी भी प्लान कर लें, आपकी कंसेंट है। लेकिन प्रेगनेंसी के लिए अगर आप चाहती हैं तो ओवुलेशन के समय में ही रिलेशनशिप प्लान करना आपके लिए फलदायक हो सकता है। ओवुलेशन का देखिए जानकारी आपको कैसे मिलेगा, तो ओवुलेशन की जानकारी बिल्कुल सिंपल सी होती है। आपकी बॉडी में तमाम तरह के चेंजेस आएंगे, जैसे कि आपके म्यूकस का फ्लो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, डिस्चार्जेस बढ़ जाएंगे, आपकी लिबिडो फिर से एक बार स्पाइक पे आएगी, फिर से आपको फील आएगा बहुत ज़्यादा, या फिर जो आपके डिस्चार्जेस हैं उनके कंसिस्टेंसी में भी आपको चेंजेस दिखाई देंगे, आपका मूड थोड़ा सा अपलिफ्ट होगा। क्योंकि कई बार नॉर्मल केसेस में हम अपने घरों के कामों में इतने बिजी हो जाते हैं हमें अपने ऊपर सजने संवरने का मौका ही नहीं मिलता है। लेकिन आपने ये महसूस क्या होगा कि जब भी महिलाओं का ओवुलेशन होता है उनकी बॉडी में तमाम तरह के ऐसे हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं जिसकी वजह से ओवुलेशन स्पाइक होता है, आपका जो फॉलिकल होता है वो रप्चर होता है और आपका मूड भी अपलिफ्ट होता है, आपको एक बार अपने आप को आईने में देखने का मन भी कर सकता है, इच्छाएं जगती हैं उस टाइम पे। तो उस टाइम पे आपको खुद ब खुद आपका शरीर आपको फीलिंग दे देगा और मे बी उस टाइम पे जो आपकी लिबिडो बढ़ी हुई होती है आपको कैलेंडर के भी हिसाब से देख लेना चाहिए कि ये एक सटीक समय है जिस टाइम पे आप संपर्क में रहिएगा तो आपकी प्रेगनेंसी जल्दी से जल्दी रुक सकती है। लेकिन वहीं पर बहुत सारे ऐसे कपल होते हैं जिनको ये जानकारी नहीं होती है, वो पूरे महीने भी ट्राई करते रहते हैं फिर भी उनकी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है। लेकिन जिन्होंने सिर्फ 1 रात या 2 रात उन्होंने ट्राई किया और उनकी प्रेगनेंसी रुक गई, वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से रुकती है क्योंकि उनको सही टाइमिंग पता होती है कि कब संपर्क में जाना चाहिए, कितना टाइम का एब्सटिनेंस देना चाहिए, क्योंकि जो मेल के सेल भी होते हैं उनको भी प्रॉपर तरीके से बनने के लिए थोड़ा सा टाइम गैप मिलना ज़रूरी है। अगर लगातार बार बार आप इस चीज़ को कर रहे हैं तो वो काम आपके लिए बोझिल हो जाएगा और उसके अंदर आपको इतना इंटरेस्ट नहीं आएगा और जो मेल के सेल हैं उनकी गुणवत्ता भी कम होती जाती है। तो अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आपको कोशिश करना है कि 3 से 4 दिन 5 दिन का आपको एब्सटिनेंस देना है, उसके बाद आप रिलेशनशिप प्लान करें। लेकिन हाँ, ओवुलेशन के टाइम में ऑल्टरनेट बेसिस पे आपको संबंध जरूर बनाना है क्योंकि ओवुलेशन अगर आपने मिस कर दिया तो पूरा महीना आपका खराब हो सकता है। तो होपफुली मैंने बहुत ही डिटेल में और अच्छे से सारी जानकारियां आपको इस वीडियो में दी हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है आप सबको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, उसके लिए दिल से थैंक यू सो मच। और कुछ भी आपके मन में क्वेरी रहती है बिना किसी हिचकिचाहट मुझसे जरूर पूछ लिया करिए, मैं उसके ऊपर वीडियो जरूर बना दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड।